सो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्राणी से मिलाने वाला हूँ जिसने ऑलरेडी अज्जू भाई का फेस रिवील कर रखा है, और एक बार नहीं काफी बार। मैं तो अज्जू भाई का फेस देख देख के थक गया। उस बंदे का नाम है सोहेलो भाई लोग। अरे मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ, इस बंदे का चैनल का नाम है सोहेलो भाई लोग, और ये कॉन्टेंट के नाम पे सिर्फ भगना जानता है। इसने अपनी पूरी चैनल अज्जू भाई फेस रिवील के नाम पे चला रखा है। हर हफ्ते 3-4 वीडियो तो इसके चैनल पे अज्जू भाई फेस रिवील के नाम पे आता ही है। सो हेलो भाई लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है इसके अज्जू भाई का फोटो मेरे मोबाइल में है। अबे साले, ये हाथ तो इस तरीके से कैमरा से ला रहा है जैसे कि कोई दिन दहाड़े चुड़ैल को पकड़ रहा है। और ये अज्जू भाई का फोटो इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि इसने अज्जू भाई की टट्टी करती हुई फोटो उठा लिया, क्योंकि हमारे भैया अज्जू भाई के गांव में रहते हैं। क्या आपको भी जानना है अज्जू भाई कौन से गांव पे रहते हैं? तो सुन लो। कीप गाइस, अज्जू भाई का गांव का मैं लड़का हूं गाइस। अज्जू भाई जिस गांव में रहते भाई, उस गांव का मैं एक लड़का हूं गाइस। चल, इसे फर्क नहीं पड़ता अज्जू भाई चाहे गांव में रहे या फिर शहर में, इसे तो बस कंटेंट के नाम पे हगना है। और ये फेस कैम तो इस तरीके से कर रहा है ताकि लोग इसे देख के इम्प्रेस हो जाए। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और गाइस, ओह माय गॉड, वैसे यहाँ पे बात करते करते ओ माय गॉड कहना जरूरी था क्या? इसे लगता होगा मेरे ओ माय गॉड कहने से वीडियो और ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। गाइस, ओ माय गॉड यार, आप लोग इतना मैसेज करते हो भाई लोग, मतलब हमको तो फोन हुआ एकदम हैंग करा दिया भाई लोग। आप लोगों यार इतना मैसेज करते हो भाई लोग कि यार अज्जू भाई का फोटो दिखा दो भाई, दिखा दो मुन्ना भाई यार, दिखा दो जल्दी, तुम्हारे मोबाइल में तो कहीं नहीं दिखाते भाई लोग, मतलब इतना मैसेज करते हो। वीडियो और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में इसने वीडियो के अंदर क्या बोलना है वही भूल गया, बस जैसे तैसे बिहारी और हिंदी मिक्स करके बोल रहा है। अब मैं यहाँ पे बिहारी लैंग्वेज को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं तो इन भाई साहब की गलती ढूंढ रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब देखते हैं इन्होंने किसको अज्जू भाई बनाया है। तो गाइस, अज्जू भाई का फोटो दिखाने से पहले गाइस, अज्जू भाई और अमित भाई एक इंटरव्यू लिए थे भाई लोग एक दूसरे के साथ। तो वाला इंटरव्यू गाइस अमित भाई लास्ट में अपलोड करेगा जब अज्जू भाई फेस रिवील करेगा अपने चैनल में, उसके अगले दिन अपलोड करेगा। नहीं, तेरे को कैसे पता कि अज्जू भाई जब फेस रिवील करेंगे तब उसके अगले ही दिन अमित भाई वीडियो अपलोड करेंगे? तेरी तो आवाज से ही लग रहा है कि तू बिहार से और अज्जू भाई गुजरात के। नहीं 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 सारू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। अब इसके थंबनेल को देखो, राजू भाई की ढकी हुई फेस और एरो आईबी का फेस देखो, कुछ सिमिलर नहीं लग रहा आप लोगों को? चलो कोई ना, फिर भी इन भाई साहब का वीडियो देख ही लेते, क्या पता के रियल वाले ही अज्जू भाई हो। भाई का चैनल खोज खोज के मिला है गाइस, तो भाई लोग देख सकते। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी गेमर्स। तो गाइस, बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है अज्जू भाई की फेस रिवील कब होगा। मैंने फेस रिवील का कभी सोचा नहीं, और फेस रिवील करूंगा या नहीं करूंगा आई डोंट नो। मैंने 2023 और 2025 बोला है, बट अगर हाँ उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ यूट्यूब का सीन रहा, अगर ऐसे ही लोग सपोर्ट करते रहे तब मैं फेस रिवील कर सकता हूँ। और हाँ गाइस, एक और चीज की लाइक, हम लोगों का बहुत ज्यादा बड़ा सब्सक्राइबर फैमिली हो गया है, तो कोई भी लोग कुछ भी बोले ट्रस्ट मत करो विदाउट प्रूफ, और सपोर्ट करते रहो। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और 2 करोड़ लोग का फैमिली कम नहीं होता है, 20 मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली कम नहीं होता, तो सपोर्ट करते रहो ऐसे। बाकी फेस रिवील का यार मैं सोचता हूँ पक्का, मैं कभी सोच के आपको बताता हूँ, बट अभी के लिए कोई सीन नहीं है क्योंकि मतलब पता नहीं क्यों। इसके साथ वीडियो को करते एंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना। बाकी मिलते हैं सुबह एकदम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको। चलो, इसने अज्जू भाई का फेस ढक दिया, अब मैं बिना ढके दिखाता हूँ। इतना ही, और हमारे साथ है गाइस टीम एरो के, हमारे एरो आईबी भाई, एरो गेमिंग इनका चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके सब्सक्राइब करिएगा। और गाइस, इनके चैनल पे भी ब्लॉग आ रहा है, ठीक है, मतलब इनने जो देखा है, इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है सब कुछ इनके चैनल पे आएगा, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और अगर आपको हमारे मतलब इस थाईलैंड टूर के बारे में और जानना है, तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपके स्क्रीन पे, आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एरो गेमिंग भाई कुछ कहना चाहते हैं? और सब्सक्राइब करना ना भूलें देसी गेमर्स को, भाई की जो क्वालिटी रहती है ब्लॉग की वो सबसे डिफरेंट होती है, जो इनका ब्लॉग होता है वो बिल्कुल ऑनेस्ट होता है, मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ये शो ऑफ कर रहे हैं ये सब कुछ भी नहीं होता, तो सब्सक्राइब। बस यार, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टोरी टाइम डालने की सोच रहा हूँ, आपकी क्या टिप्पणी है कमेंट में जरूर बताना, और मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, मैं वहाँ पे लगातार स्टोरी टाइम वीडियो डालते जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने लड़की कैसे पटाई और शादी कैसे की, सब कुछ मैं ऑल एवरीथिंग अपने सेकंड चैनल पे डालने वाला हूँ। पहला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी डाल ही दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। हो सके तो मैं सेकंड चैनल का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा।